नमस्कार मेरे किसान साथियों, आपके चैनल एग्री बढ़िया रेट में आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। दोस्तों आज मैं फिर हाजिर हूँ आप सभी किसान भाइयों के लिए आलू के भाव लेकर। बात करेंगे दोस्तों आज आलू में तेजी के बारे में। नए आलू में दोस्तों आज जबरदस्त तेजी है। नए आलू में कहां कहां तेजी है, कहां कहां खेतों पर तेजी है, उसके बारे में आप सभी किसान भाइयों को जानकारी दूंगा। सबसे पहले आप सभी किसान भाइयों को बताना चाहूंगा दोस्तों कि झुलसे का, ब्लाइट का काफी जगह पर अटैक देखने को मिला है। अपनी फसल का ध्यान रखें, अपनी फसल में तरीके से दोस्तों अनुभवी जो भी दुकानदार हैं, जो भी आपके एरिया की अच्छी दुकानदार हैं, जिनकी जो ब्रांडेड कंपनी के आइटम बेचते हैं दोस्तों, उनसे जाकर सलाह परामर्श लें और दवा खरीदें। क्योंकि दोस्तों खाद बीज की दुकान में बार बार आपको बताना चाहता हूं कि खाद बीज की दुकान का लाइसेंस किसी भी सामान्य आदमी को नहीं मिलता है। अगर किसी आदमी के मन में ये धारणा हो कि खाद बीज की जो दुकान चला रहा है वो एक नॉर्मल आदमी है, कि वो और भी मतलब कि वो बीटेक किया हुआ है, कि वो एमबीए किया हुआ है, कि वो बीबीए किया हुआ है, ऐसा नहीं होता दोस्तों। या तो बीएससी एग्रीकल्चर होते हैं, बीएससी केमिस्ट्री से होते हैं दोस्तों, या लोग दोस्तों एग्रीकल्चर का डिप्लोमा किए हुए होते हैं, उन्हीं को दोस्तों लाइसेंस सरकार देती है। तो दोस्तों अगर आप उनके पास, अगर दुकानदार के पास पेड़ लेकर या अपनी परिस्थिति को लेकर जाएंगे तो वो देख के ही तुरंत पहचान लेके आपको दवा सही दे देगा, जो भी अच्छा अनुभवी, जो भी अच्छी आपके एरिया के दुकानदार हो। खासकर दोस्तों नगद में दवा लेना पसंद करें, उधारी के चक्कर में उल्टे सीधे प्रोडक्ट अपने खेत में नहीं लगाएं। ये मैं आप सभी किसान भाइयों को बता देता हूं, ये सारी चीजें ध्यान रखें दोस्तों, ठीक है। और एक बात और बता देता हूं दोस्तों, यूट्यूब पे तमाम वीडियोस चलती है दवाओं के बारे में, किसी चीज के बारे में। तो दोस्तों अपनी बुद्धि विवेक से काम करें, जानकारी पूरी कर ही दवाएं खेतों में लगाएं। यूट्यूब की वीडियो देख कर जो दवाओं के बारे में जानकारी लोग देते हैं, उनकी वीडियोस देख कर दोस्तों इतनी शिकायत, कुछ जगह तो दोस्तों किसी ने अपना उल्टी सीधी चीजें मिक्स करके लगा दिया, किसी ने नैनो यूरिया के साथ दवाएं कोई ऐसी जो रिएक्शन करी वो मिला के लगा दिया, तो दोस्तों उससे खेतों में लोगों को बहुत काफी नुकसान हुए हैं। तो सतर्क रहें और समझदारी के साथ अपने खेती का प्रबंधन करें। तो नए आलू में तेजी की बात करेंगे दोस्तों। कौन कौन सी मंडी में आज आमदनी घटेगी दोस्तों नए आलू की, हर जगह, चाहे दिल्ली आजादपुर की बात करें, चाहे कानपुर की बात करें, चाहे किसी भी मंडी की बात करें दोस्तों, आमदनी आज घट चुकी है और आमदनी घटने के साथ साथ आलू में तेजी दिखाई दी है। अब इस तेजी का असर कब तक रहता है वो देखने लायक होगा। बाकी दोस्तों लोकल जितनी भी मंडियां, चाहे चेन्नई की मंडी हो, चाहे साउथ की कोई मंडी हो, सिवाय चेन्नई में दोस्तों यहाँ पे इंदौर का आलू, एमपी इंदौर का आलू दोस्तों जो खाया जाता है, जो छिलके वाला साउथ में आलू खाया जाता है, उन मंडियों में दोस्तों डाउनफॉल है। बाकी पुराना आलू जहाँ खाया जाता है वहां दोस्तों मंडियों में तेजी दिखाई दी है आज। तो मैं जल्दी शॉर्ट में वीडियो खत्म करूंगा, ज्यादा लंबा करूंगा नहीं। सबसे पहले दोस्तों कानपुर की बात करें, आज 20 से लेकर 25,000 कट्टे की आमदनी है कानपुर में। यही दोस्तों अभी 2-3 दिन पहले तक आलू 80-80 वो 60-60, 70-70 हजार कट्टा, 50-50 हजार कट्टा नया आया था। अब मात्र 20 से लेकर 25,000 कट्टा पहुंचा है दोस्तों नया आलू। और नया आलू में दोस्तों आज तेजी है। एक्स्ट्रा सुपर आलू 300 से लेकर 375 रुपए बिका है, 40 किलो का मन होता है दोस्तों 40 किलो के भाव। हल्की क्वालिटी का 300 से लेकर 325 रुपए बिका है दोस्तों। बात करें तिरछी मंडी की दोस्तों, तो तिरछी में आज 8 गाड़ी की आगरा की है। एक्स्ट्रा सुपर आलू 20 से 21 रुपए किलो बिके हैं, हल्की क्वालिटी के दोस्तों बिक रहे हैं आपके 17 से 18 रुपए किलो। बात करें चेन्नई की, तो चेन्नई में दोस्तों इंदौर का आलू काफी पसंद किया जाता है, तो चेन्नई में जो पुराने आलू के दाम है वो कम है। आज 10 गाड़ी है पुरानी आगरा की, वहां पे 15 से लेकर 16 रुपए किलो बिक रहा है दोस्तों पुराना आलू हल्की क्वालिटी का, 13 से 14 रुपए किलो। इंदौर की 8 गाड़ी है नया, और एक्स्ट्रा सुपर आलू 16 से लेकर 17 रुपए किलो इंदौर का बिक रहा है हल्की क्वालिटी का दोस्तों, 14 से 15 रुपए किलो। दिल्ली आजादपुर में दोस्तों 88 गाड़ी की दोस्तों आमदनी है। और कैसे दोस्तों एक साथ नए आलू की आमदनी घटेगी उसके बारे में मैं जानकारी और दे दूं आपको विस्तार से। घुमा फिरा के बात करने की दोस्तों मेरे को आदत नहीं है, मैं सीधी सादी बात बताता हूं आपको। गेहूं की बुवाई का एक सीमित समय होता है दोस्तों, गेहूं की बुवाई किसानों को करनी है। गेहूं की बुवाई अगर आप जितना भी लेट लेते जाओगे गेहूं की बुवाई करेंगे तो आप पैदावार कम ले पाएंगे किसान। इसलिए लोगों को आलू पर ना ध्यान देकर आलू में पैसा भी नहीं मिल पा रहा है। लोगों को उम्मीद है आगे कच्चे आलू दोस्तों जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है आलू के दाम गिर जाते हैं, कच्चे आलू के, नए आलू के, तो उन्होंने जल्दी से जल्दी वो हर साल आलू की खुदाई करते हैं स्पीड से, चाहे फरुखाबाद में हो, चाहे ऊना में हो, चाहे होशियारपुर में हो, वो लोग जल्दी जल्दी दोस्तों आलू की खुदाई करके तुरंत गेहूं की बुवाई करने की दोस्तों गेहूं की बुवाई वो उन्हें करनी पड़ती है, और गेहूं की बुवाई वो करते हैं क्योंकि भूसा से लेके, गेहूं से लेके काफी तेजी है। भूसा आलू से महंगा बिक रहा है सीधी सी बात, तो लोग वो क्यों आलू में झंझट पालेंगे, वो सीधे सीधे अपना आलू खोदा और तुरंत अपना गेहूं की बुवाई करने की तैयारी कर ली और गेहूं की बुवाई लोग करने लगे दोस्तों। तो दोस्तों इस वजह से आलू की बम्पर आमदनी थी पिछले दिनों, मंडियों में अनाप शराब नया आलू पहुंच रहा था दोस्तों मंडियों में। अब आमदनी एक साथ घटती चली जा रही है सारी नई मंडियों में, और अब धीरे धीरे करके आढ़तियों के बोल और भविष्यवक्ताओं के बोल भी बदल जाएंगे, ठीक है। बात करें दोस्तों
दिल्ली आजादपुर की 88 गाड़ी की आमदनी आज 100 सुपर आलू 300 से लेकर 350 रुपए बिक रहा है 50 किलो, हल्की क्वालिटी का 250 से लेकर 300 रुपए बिक रहा है। संबल का आलू 400 से लेकर 470 रुपए तक बिका है, हल्की क्वालिटी का 400 से लेकर 425 रुपए बिका है, 50 किलो के दोस्तों ये आलू के भाव है। बात करें दोस्तों फरुखाबाद मंडी की तो 100 से 125 मोटर की आमदनी है, 100 सुपर आलू 601 से 700 रुपए तक दोस्तों आज बिके हैं, हल्की क्वालिटी के 550 से लेकर 600 रुपए बिके हैं फरुखाबाद मंडी में। मुंबई की दोस्तों बात कर लेते हैं, 27,000 कट्टे की आमदनी है नए पुराने को मिलाकर, ज्यादातर नया आलू है दोस्तों। वीवीआईपी जो कोल्ड स्टोर का आलू है वो 15 से 16 रुपए किलो बिके हैं, हल्की क्वालिटी के 13 से लेकर 14 रुपए किलो बिके हैं। बहुत लिमिटेड ही आलू दोस्तों ऐसे हैं जो कोल्ड स्टोर जो चालू है ना के बराबर कोल्ड स्टोर इस समय चालू है दोस्तों, उनके ही आलू पहुंच रहे हैं और वो बढ़िया रेट बिक रहे हैं दोस्तों। हल्के आलू दोस्तों कोई रेट नहीं है, 5 रुपए से 8 रुपए 10 रुपए बिक जाए जो रेट बिक जाए। यूपी का नया आलू दोस्तों 10 से लेकर 13 रुपए किलो बिक रहा है, एमपी का नया आलू 10 से लेकर 12 13 रुपए किलो बिक रहा है, पंजाब का नया आलू बिक रहा है दोस्तों 10 से लेकर 13 रुपए किलो मुंबई की मंडी में। बात करें पूना की दोस्तों तो 16 गाड़ी की आमदनी, एक्स्ट्रा सुपर आलू 15 से लेकर 16 रुपए किलो तक बिक रहा है, 17 रुपए किलो तक भी दोस्तों रेट बताई जा रही है पुराने आलू की वीवीआईपी की, हल्की क्वालिटी के 10 से 11 रुपए किलो बिक रहे हैं। नया इंदौर का बिक रहा है 17 से 18 रुपए किलो, हल्की क्वालिटी का दोस्तों बिक रहा है 15 से लेकर 16 रुपए किलो, 4,000 कट्टे की आमदनी है नया आलू। बात करें दोस्तों इंदौर की तो इंदौर में खेत की जो रेट है, खेत पैसे जो आलू की बिक्री की रेट है जो इंदौर से साउथ के लिए महाराष्ट्र के लिए लोडिंग होती है, वो आलू 10 से 11 रुपए किलो बिक रहे हैं, हल्की क्वालिटी के बिक रहे हैं 8 से 9 रुपए किलो, और पुखराज बिक रहा है दोस्तों 9 से लेकर 9.5 रुपए किलो, और हल्की क्वालिटी के 7 से लेकर 8 रुपए किलो बिक रहा है। मदुरई की बात करें दोस्तों तो मदुरई में आज आलू 21-22-23 रुपए किलो बिक रहे हैं, हल्की क्वालिटी का 20 से 21 रुपए किलो बिक रहा है। और दोस्तों बात करें बैंगलोर मंडी की तो 26,000 कट्टे की आमदनी है, और आगरा का जो पुराना आलू है दोस्तों जो एक्स्ट्रा सुपर वीवीआईपी है एक वो है 19 से 20 रुपए किलो, हल्की क्वालिटी का 17 से 18 रुपए किलो बिक रहा है दोस्तों, और हल्के आपके वो बिक रहे हैं आपके 15 से लेके 16 रुपए किलो तक। ठीक है दोस्तों पुराना आलू दोस्तों लगभग समाप्ति की तरफ है, लगभग समाप्ति हो गया पुराना आलू दोस्तों। जो बढ़िया कोल्ड स्टोर है, जो बढ़िया से मेरा मतलब जो कोल्ड स्टोरों में ज्यादा आलू रखा हुआ है इस समय दोस्तों, उन्हीं में वही कोल्ड स्टोर चल रहे हैं, पर एकदम सन्नाटा है, चिंता का विषय बना हुआ है लोगों का, क्योंकि दोस्तों जिन्होंने जिन किसानों ने आलू रोक रखा था उन किसानों को बहुत लंबी तेजी की उम्मीद थी। नहीं ये भाव जो आलू आज बिक रहा है दोस्तों, ये भाव तो शुरू से बीच में भी कई बार मिल चुके हैं, 700 रुपए 800 रुपए तक तो आलू दोस्तों बीच में भी खंदौली में बिक गया था। ठीक है अब हवा पता चलती है कहीं से कि अरे आलू आप 825 मांगा गया है किसी पे से 821 मांगा गया है दोस्तों, पर दोस्तों लोगों ने समझदारी दिखाई है, लोग आलू की बिक्री भी साथ के साथ करते चले जा रहे हैं, तभी आलू में मंडियों में दोस्तों आमदनी दिखाई दे रही है पुराने आलू की, और समझदारी इसी में दोस्तों बिक्री करते रहनी चाहिए, और बिक्री करते रहेंगे दोस्तों तो फायदा रहेगा, रोक के रखने में कोई लाभ नहीं है, क्योंकि इसको आलू कहते हैं दोस्तों और इसका कुछ पता नहीं है क्या हो जाए कब। ठीक है यह है दोस्तों सबसे बड़ी समस्या। और एक और मैं बता देता हूं दोस्तों कि पुराने आलू अगर ऐसे ही नए आलू की आमदनी घटती चली गई तो पुराने आलू में तेजी की संभावना बन जाती है। और आज दोस्तों लोगों ने बहुत जो दिमाग लगा लेते हैं आलू में, उन्होंने कहा था 15 तारीख के बाद नए आलू में पुराने आलू में अच्छी तेजी बनेगी, तो 15 तारीख दोस्तों निकल चुकी है, 18 हो गई यार, एक दो दिन और देखते हैं कैसी व्यवस्था बनती है, और उसी बारे में आप सभी किसान भाइयों को अपडेट करते रहेंगे। बाकी दोस्तों मैं आप सभी किसान भाइयों को बता देता हूं कि नए आलू की लगभग नया आलू समाप्ति की तरफ है, तो जैसे ही दोस्तों गेहूं की बुवाई लोग कर लेंगे, और फिर उसके बाद अभी क्या किया लोगों ने कि जहां जहां खुदाई चल रही थी, मेरी कई किसानों से बात हुई है, उन्होंने किया क्या किया, जब रेट सही नहीं मिल रही थी उन्होंने पानी दे दिया खेत में, उन्होंने कहा कि और फूल जाएगा, 4-10 दिन बाद फूल लेंगे, तब तक ये है कि धीरे धीरे करके जो गेहूं वाले निमट लेंगे, गेहूं वाले जिनको तो भाई खोदना उन्हें तो रेट से मतलब नहीं है, उनकी तो जो है समझ लो एक जुताई लग गई। ठीक है उन्हें कोई मतलब नहीं है, उन्हें तो आलू खोद के तुरंत मंडी में सेल करना है और उसके बाद अपने गेहूं की बुवाई करनी है, गेहूं की फसल का जो वो पालन पोषण है वो गेहूं आलू से अच्छी तरह करते हैं वो लोग, क्योंकि दोस्तों खाने के लिए गेहूं हो जाता है, पशुओं के लिए भूसा हो जाता है, और बिक्री करने के लिए भी भरपूर चीजें हो जाती है। अब जितने का भूस खेत में गेहूं होता है खेत में दोस्तों उतने रुपए का ही भूसा हो जाता है, अब वो पहले वाले जमाने चले गए, इसलिए लोग वो लोग क्या कहते हैं पता है आपसे, फरुखाबाद साइड वाले वो जो कहते हैं शर्मा जी गेहूं के बारे में भी जानकारी दिया करो, पूना होशियारपुर के भी यही कहते हैं गेहूं के बारे में जानकारी दो, खरपतवार की दवा बताओ गेहूं के बारे में, क्या लगाएं गेहूं में, आप आलू ही आलू करते रहते हैं, हम तो गेहूं भी मतलब गेहूं पर बहुत ध्यान दिया जाता है। तो दोस्तों ये सारी चीजें हैं, और ये दिन भर हम लोगों से इंटरेक्शन रहता है, किसानों से दिन भर इन चीजों को फेस करते हैं। बाकी दोस्तों नए आलू में सभी जगह तेजी है, नया आलू की आमदनी सारी मंडियों में ऑल ओवर इंडिया की मंडियों में घटी है। एक खबर ये भी आ रही है कि होशियारपुर से जालंधर से रैक लोड हो रही है साउथ नॉर्थ ईस्ट के लिए, गुवाहाटी के लिए, आसाम के लिए। ठीक है दोस्तों तो वो लोड होती है क्या रेट रहता है, क्योंकि दोस्तों अब कब लोड होती है और कितना जा रहा है आलू उसके बारे में जानकारी मैं पता करके आप लोगों को कल या परसों में बता दूंगा।
ठीक है, दिल्ली आजादपुर में एक साथ आमदनी घटेगी, मात्र 88 गाड़ी पहुंची है दोस्तों। ऐसी करके धीरे धीरे करके आमदनी घटे, तभी जो खरीदार हैं और जो बिकवाल हैं दोस्तों, जो मंडी पे बैठे हुए हैं, तभी इनको पता चलेगी कि क्या होती है आलू की रेट। क्योंकि ये भविष्य वक्ता पिछली जो साल दिल्ली आजादपुर वालों ने इस बार किसानों को उंगली पर नचाया और उनको आड़तियों ने उनने अपने हिसाब से पूरी साल अपना आलू अपना बेचा, कम हो जाएगा तो 50 रुपए ही मिलेगी और ज्यादा पहुंच जाएगा तो 100 रुपए टूटते हैं दोस्तों। इन सब चीजों को ध्यान रखें। धन्यवाद मेरे किसान साथियों, आप सभी किसान भाइयों को दिन शुभ।